चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है वो है बिहार और महाराष्ट्र, थोड़ा उस पर बात करूँगा। बिहार पे आपने फिर एक बार, पलटू राम जी तो पलटी मारते रहते हैं, इस बार आपने भी पलटी मारी और उनको आपने 16 सीटें दे दी। देखो भैया, हमने नहीं मारा है पलटी, नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए, हम तो जहाँ थे वहाँ ही थे जी। हम गंगा किनारे पलट थे, के वापस फिर आए, हम गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला। पर 16 सीटें उनको दे दी आपने? नहीं, वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज़्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी। बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजयी। 5 सीट चिराग पासवान जी को दी, पर पशुपति पारस को आपने डंप कर दिया, कोई उनके संग भी समझौता हो सकता है? अभी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आपके मंत्रालय मिनिस्ट्री, अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही, कम रह गई है, लगभग नहींवत है। अच्छा था अगर परिवार पूरा साथ में आता, मगर ठीक है भाई। अभी आप बड़े भाई के रूप में यहाँ आए हैं, तो क्या विधानसभा में भी बड़े भाई के रूप में ही आएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा? अभी कुछ नहीं तय नहीं, हमें लोकसभा का चुनाव है, 370 और 400 के लक्ष्य के लिए सब लोग लगे हैं, विजयी होने के बाद आगे का रणनीति हम बनाएंगे। इस बार देखा है बिहार में आपने और छोटी पार्टियों को भी साथ में ले लिया, यही रुख जो है महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में देखें तो आप पहले आप शिंदे जी को लाए, उसके बाद अजीत पवार आए, आज कल आपसे राज ठाकरे भी मिलकर गए हैं, तो कितनी सीटों का आपको, पिछली बार 41 सीटें थी आपकी 48 में, क्या उससे ऊपर जा सकते हैं? 41 से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे। और ये जो घमंडिया गठबंधन प्रचार कर रहा है, पार्टियां तोड़ी, पार्टियां हमने नहीं तोड़ी है। शिवसेना तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम ने किया है। अगर वो एकनाथ शिंदे को उनका उचित सम्मान देते तो शिवसेना न टूटती। और एनसीपी तोड़ने का काम शरद पवार जी की पुत्री प्रेम ने किया है। अगर वो अजीत पवार को उनका उचित सम्मान देते तो आज वो उनके साथ ही होते, हमारे साथ थोड़ी ना आते, वो तो सरकार में थे सब। मगर जब आप पुत्र पुत्री के मोह में अंध हो जाते हो तब पार्टियां टूटती है, इसका आरोप हम पर नहीं लगाना चाहिए। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप, 30 के आसपास आप, क्या क्या डिवीजन हुआ है? अभी तय नहीं हुआ है, मगर स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, और उसके बाद शिंदे और उसके शिंदे सेना और उसके बाद अजीत पवार। हाँ, कमोबेश यही होगा, कह रहे हैं लोग नंबर ऑफ सीट अभी तय नहीं हुई। पंजाब में क्या है, अकाली दल से कभी हाँ कभी ना बातचीत, कोई अग्रीमेंट कुछ हुआ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, और आप जिस तरह से सवाल पूछे, कभी हाँ कभी ना है ही नहीं, अभी नेगोशिएशन चल रहा है। तो नेगोशिएशन में तो एक ऑफर होती है, हम काउंटर ऑफर देते हैं, वो काउंटर ऑफर देते हैं, हम ऑफर देते हैं, ये चलता है, इसको हाना में नहीं देखना चाहिए। तो उम्मीद है कि मुझे लगता है 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर आप लोग चाहते हैं कि साथ में लड़ें, ये स्वाभाविक? हम तो चाहते हैं कि हमारे एनडीए के सारे साथी हमारे साथ हो, फिर से एक बार सारा एनडीए संपूर्ण बने। परंतु भारतीय जनता पार्टी का उचित हिस्सा और हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, वो भी हमारी चिंता का विषय होता है। तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से बाद में फिर से समझौता हो सकता है, दरवाजे बंद नहीं हैं, एनडीए में रह सकते हैं? अभी तो आपने बहुत जल्दी होगी, अभी तो वो हमसे अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी सीटें लड़ने का ऐलान किया है, तो अब तो आमने सामने चुनाव लड़ेंगे और जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे, मगर अभी तो हम आमने सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2-3 सवाल इन्हीं मुद्दों पर और प्रदेशों पर, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप इस बार अपनी पोजीशन को कैसे देखते हैं, क्या पिछली बार से स्ट्रांग रहेंगे आप तेलंगाना में? निश्चित रूप से जिस प्रकार का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर दक्षिण भारत की जनता मोदी जी का कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धन करने वाली बात है। पहली बार भाजपा के किसी नेता को इतना सकारात्मक, उत्साहजनक प्रतिसाद देश की जनता के, दक्षिण भारत की जनता से मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, उत्साह बढ़ाने वाला विषय है। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि दक्षिण के सभी 5 राज्यों में हमारी पोजीशन और कंसोलिडेट होगी, हम मजबूत होंगे और बढ़कर आएंगे, न केवल हम, हमारे साथी दल भी बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल की बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ, वहाँ संदेश काली के बाद आपकी
स्थिति, पिछली बार 18 सीटें आई थी और लोग मान नहीं रहे थे कि आपने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं, पर आप 18 सीट लेके आए। इस बार आपको क्या लगता है, इससे बढ़ेगी और इसका क्या कारण है? मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है, 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 25 सीटें बड़ा वो है, 25 से ज्यादा, 25 से ज्यादा। तो ये कैसे होगा, ये आपका जो साउथ ईस्ट बंगाल में जो है आप काफी वीक हैं, पिछली बार आपको शायद सिर्फ 2 ही सीट मिली थी वहां 18 सीटों पे, वो एरिया जो है वो आपके लिए बहुत अहम है, कोलकाता, हुगली, 24 परगना, हावड़ा, तो वहां पे कैसे करेंगे ये, वहां पे आपका संगठन भी उतना शायद स्ट्रांग नहीं है। देखिए, 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पश्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकड़ों में भी विस्तार किया है। 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं। विगत विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, हम 2 लोग थे, 77 हो गए, बहुत बड़ी जंप है। कांग्रेस 0, कम्युनिस्ट पार्टी 0, आज प्राइम ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी वहां बनी हुई है। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में 19 में 18 हुई, और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। बंगाल की जनता 1 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया है, इसमें ईडी पर सवाल नहीं उठाती है, ममता जी पर सवाल उठाती है कि रुपया कहां से आता है, रुपया किसका है, ये रुपया बंगाल की गरीब जनता का रुपया है भैया। वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है, डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का, क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही, क्यों अनाज उनका कालाबाजारी में बेचा जा रहा है, क्यों नल से जल की योजना वहां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, क्यों अब तक सीए से इनको महरूम रखा गया, केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है, बंगाल की जनता के सामने ममता जी एक्सपोज हो चुकी है। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल पकड़ने पड़ते तब जाकर अरेस्ट करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ईडी पर भी हमला हुआ था, ईडी पर हमला तो छोड़ो भाई, अलग बात है। मैं जिन्होंने वोट दिए वो बंगाली माताओं बहनों की बात कर रहा हूं, उन पर आपके पार्टी के नेता अत्याचार करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाईकोर्ट ने ऑर्डर करने पड़ते हैं जी। बंगाल की जनता ये सब जानती है, मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा देते हैं।